के बाद आइए आपको सीधे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था, हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, हमने कहा था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे। आज मैं कह सकता हूं 2017 के पहले 17 में जब हम लोग आए थे, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, तब 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था 2010 से लेकर के 2017 तक। और आज जब मैं फिर से सुखतीर्थ में आया हूं, तो गत वर्ष का 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और नए सत्र में भी 119 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं, और बाकी जो बची है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में अन्नदाता किसान की मेहनत का पैसा उन्हें समय पे मिलना ही चाहिए और उसको देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया, हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है, गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो। और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था। हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे, पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, आप अपने खेती को पूरा पानी दीजिए, बिजली भी मिल रही है और पानी भी फ्री में मिलेगा। यह भी सरकार ने आपसे कहा था, 1100 करोड़ रुपए हमने सरकारी ट्यूबवेल के लिए भी अलग से व्यवस्था की है और 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप के बिजली बिल के भुगतान के लिए भी अलग से किया है। इसके अलावा 50,000 पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल ट्यूबवेल पर लगाने के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। हर जिले में मोटा अनाज के लिए भी और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी टेस्टिंग लैब के साथ साथ उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। देखा होगा हम यहां मंच पर आए, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुझे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुजफ्फरनगर का बना हुआ गुड़, और गुड़ भी ऑर्गेनिक गुड़, और मुझे बताया गया यहां का गुड़ अब तो न केवल प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में बल्कि देश में भी और दुनिया में भी अपनी मिठास को बिखेर रहा है। बधाई मुजफ्फरनगर और बिजनौर वासियों को, शामली वासियों को। आज मैं आपके पास इसी बात को लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने तो जो कहा, हमने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज देंगे, सरधना में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने कहा था उस बेटी को जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। पारुल चौधरी को हमने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है।
जिन भी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता उनको डिप्टी एसपी का पद का नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया है। पहले की सरकारें यहां के नौजवानों की नौकरी में भी डकैती डालती थी, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने परिवार के लोगों को सब भरते थे, लेकिन यहां का नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था। आज तो पुलिस की भर्ती हो रही है, 60,000 पुलिस की भर्ती। इस संजीव बालियानी है मेरे पास, इन्होंने पत्र लिखा कि 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। हमने कहा 2 दिन नहीं, 3 दिन जरूर बढ़ाएंगे, जितना समय लगेगा हम देंगे। और भाइयों बहनों, कोई जनपद प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां का नौजवान उत्तर प्रदेश के 60,000 होने वाली भर्ती में उसकी भर्ती न हो। अवश्य उसकी भर्ती होगी, बिना भेदभाव की भर्ती होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए। हमारा वर्तमान तो सुखद और सुंदर है ही, आने वाले लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखद और सुंदर माहौल देने की तैयारी। और ये तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। इस समृद्धि के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आज प्रारंभ हुई हैं। और आज जब यहां पर हम लोग किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला जल संरक्षण के लिए, दूसरा ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना, घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर, सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है, और ग्रामीण खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उन्हें भी मदद देने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना। इन 9 संकल्पों पर आधारित ग्राम परिक्रमा यात्रा किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे और गांव गांव जाकर के प्रत्येक अन्नदाता किसान के साथ संवाद बनाएंगे और उन्हें संवाद बना करके जिन किसानों को डबल इंजन सरकार की योजना का लाभ मिला है उनके सफलतम कहानी को जनता के सामने कहेंगे, और जो वंचित रह गए हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर आने वाले समय में उनको भी लाभान्वित करके 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। और आज इसीलिए हम लोग यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की उसका परिणाम हमें प्रारंभ में उसका मिलना प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अगर 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2,62,00,000 किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। 7 करोड़ 45 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से
लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़कर के 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अब तक देश में 48 करोड़ किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, यानी अब पैसा केवल हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों में किसान के पास डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश में 78 लाख हेक्टेयर भूमि और प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं का लाभ एक एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपके पास आया है। इस सुख तीर्थ की पावन भूमि से, अन्नदाता किसानों की कर्म भूमि से, अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए उनका सुझाव भी एकत्र करेगी, और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। मैं इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हर अन्नदाता किसान तक पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसानों के लिए, देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बनी हुई योजनाओं को भी हम आम जन तक पहुंचा करके फिर 2014 में 24 में 14 और 19 की पुनरावृत्ति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर बनाने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान करेगा। इस विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को हृदय से इस यात्रा की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रत्येक अन्नदाता किसान तक पहुंच करके डबल इंजन सरकार की योजनाओं को अन्नदाता किसानों तक पहुंचाने और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लेने का कार्य करेगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुजफ्फरनगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। लाखों लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार किसानों के नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की तमाम उपलब्धियों को मुजफ्फरनगर में गिनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो वादा किया था डबल इंजन की सरकार ने, उसे पूरा किया है।